आजादी के बाद से सरकार, कोई सी भी सरकार हुई, अभी तक घाटे का बजट ही पेश क्यों करती रही है? कभी प्रॉफिट का बजट क्यों नहीं पेश किया? और आखिर ये घाटे का बजट होता क्या है और क्या इससे क्या फायदा होता है? आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, अपन देखते हैं। अपन घाटे का बजट, आप देखना, भारत का पहला बजट सिर्फ 7.5 महीने के लिए पेश किया गया था। पहला बजट भारत का सिर्फ 7.5 महीने के लिए पेश किया था। और कब किया था ये देखिए आप, 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के लिए पेश किया था। ध्यान रखना, उस वक्त 171 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा, मतलब 171 करोड़ की इनकम सरकार ने अनुमानित रखी थी कि इतनी इनकम सरकार को प्राप्त होगी, जबकि खर्च सरकार ने कितना माना था, 197 करोड़। अब देखना आप दोनों का डिफरेंस देखना, भारत का पहला बजट और वो भी 26 करोड़ घाटे का, आप विश्वास कर सकते हो? भारत का पहला बजट, खर्च अनुमानित आय से ज्यादा खर्च बताया गया कि अनुमानित आय तो इतनी हो सकती है और खर्च इतना हो सकता है। 26 करोड़ घाटे का बजट लाया पहला, और आजादी से लेकर अभी तक हर साल घाटे का बजट पेश हो रहा है। अब आप कहोगे सर घाटे का बजट क्यों पेश हो रहा है, यही तो अपन जानेंगे। अपन देख 2022-23 में कुल खर्च अनुमानित 39.45 लाख करोड़ का माना गया। अब इसमें कुल आय कितनी मानी है, 22.84 लाख करोड़ की आय मानी है। अब दोनों में अंतर देखिए आप, 16,61 करोड़ का घाटा दर्शाया गया है इस साल में। इसी को ये जो डिफरेंस है ना, इसी डिफरेंस को राजकोष की घाटा कहा जाता है, इंग्लिश में फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। कभी जीके में क्वेश्चन आता है कि राजकोषीय घाटा किसे कहा जाता है? जब अनुमानित आय से ज्यादा खर्च होता है ना, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है ना, वही राजकोषीय घाटा होता है, उसी को फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। तो अभी देखिए आप, 16,61 करोड़ का घाटा अभी सरकार ने दर्शाया है। अब आजादी के टाइम से घाटा ही घाटा दर्शाया जा रहा है, तो कभी प्रॉफिट का बजट पेश नहीं किया है। अब ये घाटे के बजट का क्या फायदा क्या है आम आदमी को, ये देखिए। घाटे के बजट में क्या होता है, सरकार आमदनी से ज्यादा खर्च का प्रावधान रखती है। अब सरकार का घाटे के बजट में मकसद क्या होता है, आमदनी से ज्यादा खर्च का प्रावधान रखती है। अब सरकार आमदनी से ज्यादा खर्च का प्रावधान क्यों रखती है, ये देखिए आप। बजट घाटे का ही क्यों, हर बार सरकार घाटे का बजट क्यों लाती है? देखिए आप, निजी क्षेत्र की किसी भी कंपनी का बजट घाटे का नहीं होता है। निजी क्षेत्र की कोई भी कंपनी हो, उसका बजट कभी घाटे का नहीं होता है। आपको पता है उसका बजट हमेशा प्रॉफिट का होता है, लेकिन सरकार का बजट घाटे का होता है। क्यों होता है देखिए आप, निजी क्षेत्र की कंपनी का उनका लक्ष्य होता है पैसा कमाना। आप देखना, सरकार का लक्ष्य नहीं होता है कि आम आदमी से पैसा कमाना। सरकार का मकसद क्या होता है कि आम आदमी या देश में विकास करना और आम आदमी की जन कल्याणकारी की योजनाएं लाना, जबकि सरकार का लक्ष्य विकास करना होता है, न कि पैसा कमाना। इसीलिए सरकार आमदनी से ज्यादा खर्च का प्रावधान करती है, इसीलिए सरकार घाटे का बजट लाती है। सरकार कभी यह नहीं करती है कि कोई भी बजट लाती है सरकार प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य नहीं होता है। सरकार का लक्ष्य यह होता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा विकास करना, ज्यादा से ज्यादा जन कल्याणकारी योजनाएं देश में चलाना। इसीलिए हर सरकार, भारत आजादी से लेकर अभी तक की सरकार घाटे का बजट पेश करती रही, यही कारण रहा। क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, मुख्य उद्देश्य क्या है, विकास करना। इसीलिए अनुमानित आय से ज्यादा खर्च दर्शाया जाता है, कभी भी खर्च से ज्यादा आय नहीं दर्शाई जाती है इस सरकार के बजट में। हमेशा खर्च ही ज्यादा बताया जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार का मकसद ये होता है कि आम आदमी के विकास कार्यों में पैसा लगाना और देश का विकास करना। अब आप कहोगे सर इसमें आम आदमी पर असर क्या होता है, और दूसरी बात, एक बात यह देखना कि जब सरकार अनुमानित आय तो कम होती है और खर्च ज्यादा होता है, हो जाती है, जब यह जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस का पैसा सरकार कहां से लाती है पता है आपको? या तो रिजर्व बैंक से उधार लेती है, या किसी वित्तीय संस्था से उधार लेती है, या सरकार नए नए बॉन्ड जारी करती है उससे पैसा उठाती है। ये जो डिफरेंस वाला पैसा है ना, सरकार इससे उठाती है, या सरकार कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर लगा देती है जनता पर, इस तरीके से सरकार एक्स्ट्रा पैसा उठाती है और उसका रिकवरी करती है। अब इस पर आम आदमी पर क्या असर होता है, ये देखिए आप।
आम आदमी पर असर यह होता है, यह काफी कुछ सरकारी बजट की नीतियों और घोषणाओं पर निर्भर करता है। यह सरकार की जो बजट की नीतियां और घोषणा के ऊपर निर्धारित होता है कि कितना असर आम आदमी पर पड़ेगा, क्योंकि इसमें सरकार बताती है कि खर्च के लिए पैसा कैसे जुटाएगी। अब जैसे कि 16,61,00,000 का घाटा है सरकार ने बता दिया इस बार, तो अब ये 16,61,00,000 सरकार कहाँ से लाएगी इसके बारे में सरकार बताती है। या आरबीआई से लेगी, या कोई नए नए बॉन्ड जारी करेगी, या कोई कर लगाएगी, तो सरकार इसके बारे में बताती है। वो सीधा सीधा आम आदमी पर भी इसका असर पड़ता है। इसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर लगाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार वित्तीय बाजार से भी कर्ज उठा सकती है ये रिकवरी करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि सरकार इसीलिए हमेशा घाटे का बजट लाती है, क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है। सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए और विकास के लिए। इसीलिए हमेशा घाटे का बजट लाया जाता है।